वो पता क्या चाहता था, वो ये चाहता था तू और मैं अलग हो जाए। उसे लगा कि अगर चैनल डिलीट हो जाएगा ना, प्रिया विशांति या प्रिया दोनों एक दूसरे से अलग हो। हम तो नहीं किलसे, आज ये बंदा पीछे छूट गया तो आज ये हमसे किलस रहा है। वो किलस भी इस चीज पे उतार रहा है कि चैनल डिलीट करके बैठ गया वो मेरा। सो गाइस फाइनली हमारा मैचअप हो गया है, और बाकी आप वीडियो देखना, वीडियो में हमने बताया है कि वो बताया नहीं है, हिंट दिया है कि प्रिया का चैनल किसने डिलीट किया, उस बंदे के हिंट दिया है। हमने पूरी वीडियो जाके वॉच करना और बताना प्रिया के साथ गलत हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। बाकी आप प्रिया के इस चैनल को सपोर्ट करो, इस चैनल को वो चैनल बनाओ जो प्रिया का पहले वाला चैनल था। इस चैनल का आईडी पासवर्ड मेरे अलावा किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं, क्योंकि बंदे ने किलस किलस में चैनल डिलीट कर दिया। और गाइस सॉरी मेरी वीडियो नहीं आ पा रही, तो अभी भी पता नहीं कब आई क्योंकि मैं अभी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा। बाकी जैसे ही ठीक होती हूँ ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ आपके लिए न्यू वीडियो शूट करूँगी, इसका फिर से सी बनाऊँगी। बाकी अभी वीडियो पूरी देखो, अपन मिलते हैं फिर है कि नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को पूरा पूरा सपोर्ट करना। स्टेप वन लेवल थ्री इस चैनल के, लेवल वन कंप्लीट हो गया, लेवल टू बचे वो आप लोग पूरा कराओगे। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। नींद आ गई, इतना वेट कराते अपन। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ क्या हो रहा है तेरे को, क्या नहीं तुझे पता है? दो तीन दिन हो गए एक ही कपड़े पहन रखे हैं मैंने, तू नहीं आती तो मेरे को कपड़े भी नहीं धोता। क्यों काम वाले हो क्या मैं तुम्हारे? तू यार तुझे पता है मैं तो कितनी बार तो मैंने तेरे से सॉरी बोला है, मैं किसी से नहीं बातें शेयर करूँगा, नहीं बोलूँगा किसी को। विशांत एक बात बताओ, तब मैं तुम्हें सारी बात मतलब कि तुम गलती करते हो मैं तुम्हें बता देती हूँ उस बात को, मानते नहीं हो, उसके बाद तुम्हें कुछ दिन बाद समझ में आती है, फिर तुम बोलते हो मैं नहीं करूँगा। ऐसे क्यों होता है? मुझे नहीं पता है तेरे को कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। खुद में तुम्हें माननी है क्या कि नहीं करना है, नहीं करना है, खुद में नहीं है माइंड कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है ये छोड़ो, तुम ये बताओ यही सेम चीज मैं करती तुम्हें कैसा लगता, कैसा लगता? अब देख सब सबका नेचर अलग अलग होता है, मुझे नहीं नेचर अलग अलग नहीं विशांत, अगर मैं हम दोनों की पेंसिल बातें किसी तीसरे इंसान के सामने शेयर करूं और फिर वही तीसरा इंसान तुम्हें आके बताए तो मैं अच्छा लगेगा? माना हम बोलने बोल ये नेचर की इंसान बात नहीं, हर किसी अब को तो अपन जा रहे हैं, अब तो अपन दोनों रहने जा रहे हैं, ये हर किसी को बेकार लगती है चीज, इस टीम से दूर जा रहे हैं ना अपन, तेरे साथ जिसने गलत किया उस बंदे से दूर जा रहे हैं अपन। गलत क्या किया उसने, तो जिंदगी खराब कर दी पूरी। पता है बंदे को पता था फिर अगर चैनल पहले प्रॉब्लम में चल रहा है, पहले काम चल रहा है चैनल पे, फिर भी चैनल डिलीट कर दिया उसने। तूने उसके लिए कितना किया, तूने उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाई, अब उसके 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 कपड़े तक धोए, फिर भी बंदे ने 1% करने से पहले सोचा नहीं कि मैं किसके साथ ये कर रहा हूँ, जो बंदी के का खाना खाया है। पब्लिक को पता लगेगा, उसका नाम पता चलेगा धीरे धीरे। क्या करे, तुम भी तो उन्हीं में से हो, है तो तुम्हारा ही दोस्त। मेरे को नहीं पता था मेरा दोस्त ऐसा है, बहुत मानता था उसको मैं, दोस्त भी नहीं भाई है तुम्हारा। मैं भाई नहीं बोलता ना उसे, मैंने छोड़ दिया, ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, इंस्टा से भी अनफॉलो कर दिया। विशांत छोटा भाई है, विशांत छोटा भाई ये बोल रखा था, इंस्टा से अनफॉलो कर दिया मैंने, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ देखा मैंने कब किया, तब मैंने कर दिया, उसके बाद तुमने अनफॉलो किया है विशांत, उससे पहले नहीं किया तुमने। तो मेरे को देखो देख कंफर्म हो गया ना तू जाएगी, मेरे को पता है, मेरे को डाउट था। देख वो बंदा आगे से आके नहीं बताता, जब अपने लोगों ने पकड़ा, तूने मैंने पकड़ा, प्रूफ मिले, तब बंदा सोचा मैं फंस चुका हूँ, उनको पता लग गया तो अभी जाकर मैं गलती मान लूँ, कहते मैं हाइड कर रहा था, गलती से डिलीट हो गया चैनल। गलती से डिलीट नहीं होता इतना पता है मेरे को, यूट्यूब 3 ऑप्शन देता है, 3 बार परमिशन लेता है, 3 बार गलती से ऑप्शन भरे गए 3 बार। अपनी पब्लिक पता है कितनी अच्छी है, पब्लिक को पता चला ना प्रिया का सेकंड चैनल है, प्रिया का पहला चैनल हैक हो गया, पब्लिक को नहीं पता किसी ने डिलीट किया तेरा चैनल जानबूझ के, हैक नहीं हुआ था,
अपनी पब्लिक इतनी अच्छे प्लेयर को पता चला उस पर इतनी जल्दी सब्सक्राइबर गेन होते हैं, और पुरानी वीडियो डालता हूँ पुरानी वीडियो पे ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, सोच तेरी नई वीडियो आएगी तो नई वीडियो पे कितने अच्छे व्यूज़ आएंगे उस पर। तो तू टेंशन मत ले, तू डिप्रेस्ड थी मैं मानता हूँ, बताता हूँ, तेरे घर से ही फ़ोन आता था प्रिया कि ये कर रही है वो कर रही है रो रही है खाना नहीं खा रही है। मैंने कहा मेरे को तो पता चला जब किस बंदे ने किया, तुम मेरे तो होश उड़ गए थे, शॉक्ड हो गया था मैं इस बंदे ने। तुम्हें क्या लगता है मुझे पहले ही पता नहीं चला, मुझे पहले ही पता चल गया था विशांत, बट पहले मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता तुम ट्रस्ट नहीं करोगे भाई, मानते ना तुम उसको इसलिए। अब कुछ नहीं मानता मैं उसको, भाई भाई गया तेल लेने, जब बंदा इतना गलत कर सकता है ये नहीं देखता कि अपनी ही टीम के साथ मैं गलत कर रहा हूँ। उसको क्लेश हो गई थी यार, क्लेश थी उसको कि तू इतनी जल्दी ग्रो क्यों कर रही है, तुझे इतना ज्यादा पब्लिक से क्यों सपोर्ट मिल रहा है। तो ग्रो की क्या बात है विशांत, हम मेहनत कर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, पब्लिक प्यार कर रही थी, मैं हमारी जोड़ी पसंद कर रही थी। तो उसे पब्लिक का प्यार पच नहीं रहा था ना, वो क्लेश रहा था, पब्लिक उसको प्यार क्यों नहीं करती है। मेहनत करोगे पब्लिक को प्यार दिखाओगे तो प्यार ही मिलेगा पब्लिक से। पूरी पब्लिक को बताओ लाइव में आके ओवर रिएक्ट करता है, अपने आप को कहते हैं अपने आप को कहते हैं मैं सुशांत सिंह जैसा लगता हूँ। तुम दूसरी बात छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। यही बातें हैं जो मुझे तो सब ऐसे ही मिल रहे हैं, सबके सब ऐसे ही मिल रहे हैं जितने मिल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ प्रिया। तुमने कौन सी हरकत नहीं की विशांत, तुमने सोचना चाहिए था, तुम लड़ाई करके बैठे हो, तुमने ऐसी हरकत कर दी, ऊपर से उसने एकदम से शॉक दे दिया कि एकदम से उसने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। एक बार बंदे ने सोचा यार चैनल डिलीट हो रहा है, बंदे की मेहनत जा रही है, इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतनी सारी पब्लिक है उसकी जो इतनी इतना प्यार देती है, वो डिप्रेशन में जाके कोई भी गलत कदम उठा लेती, मैं फिर क्या होता। गलत कदम उठा लेती ऊपर से फिर मैं क्या बच जाता, और फिर वो बंदा क्या बुरी तरह से नहीं फंसता। विशांत बहुत क्या कहूँ, बहुत माइंड खराब है, ठीक है शुक्र है तूने वो गलत। मेरी फैमिली ना होती मेरे साथ में, तुम कोई ना होता, तुम ना होते तो फिर मैं सीरियसली मैं कुछ कर लेती, अगर मैं इस टाइम पर अकेली रह रही होती, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। तभी तो मैंने बोला था तेरी फैमिली में कि प्रिया को अकेला मत छोड़ना, मैं बहुत बोल रहे थे वो तू रूम लॉक करके बैठी थी। बहुत बड़ा झटका लगा है मुझे एकदम से, मैं सुबह उठा मेरे को बस फोन आया, स्पॉन्सर वाले का फोन आया, बोलते हैं कि प्रिया का चैनल कहाँ चला गया दिख नहीं रहा। मैंने कहा भाई क्यों मजाक कर रहा है, मैंने एकदम सर्च किया मैंने की, फिर मैंने उसी बंदे को फ़ोन करा जिसने तेरा चैनल डिलीट किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा। अरे सच में यार विशांत मजाक मत कर, मेरे को देख टेंशन हो रही है, ओवर एक्टिंग भी इतनी कर रहा भाई, चैनल साफ बोल दिया तूने डिलीट कर दिया क्लस के चक्कर में, वो पता क्या चाहता था, वो ही चाहता था तू और मैं अलग हो जाए, उसे लगा कि अगर चैनल डिलीट हो जाएगा ना प्रिया विशांत या प्रिया दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों प्रिया विशांत चैनल की वजह से साथ में है क्या, उसे यही उसे चैनल की वजह से अलग हो जाएंगे, उसे तो यही लगा ना। मैंने कहा अगर चैनल भी मेरे पे चला जाए ना, उसके जैसा प्यार नहीं है प्रिया विशांत का कि उसका चैनल डिलीट हो गया तो उसका प्यार अलग हो जाएगा, उसके जैसा प्यार नहीं अगर उसने अपने जैसा समझा हुआ है तो। देखा है मैंने प्रिया विशांत का रिश्ता लालच में ही है, अपने फैन पेज कम बन रखे, अपने फैन पेज ज्यादा बन रखे हैं उसके कम है तब किलसता है वो। तो यार मेहनत करो ना, इसमें किलस में क्या हो रहा है, हम उससे कुछ मतलब कि उसका कुछ मार थोड़ा रहे, उससे कुछ थोड़ा ना कुछ उसकी थोड़ी चोरी कर रहे हैं, मेहनत नहीं होती ना उनसे, उसके सब्सक्राइबर थोड़ा ना चोरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं, पब्लिक प्यार दिखा रही है, मेहनत नहीं होती उस बंदे से और पब्लिक को पता चलेगा। हम तो नहीं किलस रहे यार, हमारे पहले कम थे विशांत, तुम्हारे भी कम थे सब्सक्राइबर, मेरे भी कम थे, हमने मेहनत की, पब्लिक को प्यार दिया, पब्लिक ने हमें प्यार दिया, तब जाके हम आगे बढ़े, हमने तो कभी नहीं किलसा, ये बंदा हमसे आगे था उस टाइम, हम तो नहीं किलसे, आज ये बंदा पीछे छूट गया तो आज ये हमसे किलस रहा है, वो किलस भी इस चीज पे उतार रहा है कि चैनल डिलीट करके बैठ गया वो मेरा, इस चीज पे किलस निकल रही है उसकी, क्या कहूँ यार विशांत मैं बहुत डिप्रेशन में, बात करने बिल्कुल मन नहीं है। तुझे पता है अगर पब्लिक को पता चलेगा ना, पब्लिक भी उसकी वीडियो देखती है, पब्लिक को मेरी हालत के साथ साथ मेरी फैमिली की हालत भी खराब हो रही है मुझे देख देख के। पता है एक जगह नेगेटिविटी होती है तो पूरी जगह फैल जाती है, वो पब्लिक को पता चलेगा वो बंदा कौन है, पब्लिक उसकी वीडियो देखना छोड़ देगी, तेरी पब्लिक इतनी अच्छी है। मैं नहीं बताना चाहती यार किसी को, मैं नाम क्या मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती।
आज लाइव आएंगे तो लाइव में देख लियो पब्लिक कितना गंदा गंदा बोलेगी, सीधा बोलेगी यहाँ पे बताओ कौन है। मुझे पता है ना अपनी पब्लिक कितनी अच्छी है। कौन लाइव आएगा विशांत? आज लाइव आएंगे। कौन लाइव आएगा? आज लाइव आएंगे। कौन लाइव आएगा? तुम और मैं। क्यों आऊंगी मैं लाइव? उस बंदे का हिंट देंगे पब्लिक, पब्लिक अपने आप पकड़ लेगी। पब्लिक ये देख लेगी फॉलोइंग लिस्ट में से कौन कम है, कौन कम है। पब्लिक तेरी मेरी फॉलोइंग देखेगी, इंस्टा की फॉलोइंग देखेगी, अपने अपनों ने किसको अनफॉलो किया है, ठीक है। पब्लिक खुद समझ जाएगी। और वैसे भी अपन ये टीम छोड़ के जा रहे हैं। तेरा चैनल क्या? शुक्र है मैंने अपने चैनल का आईडी पासवर्ड नहीं दिया था उसको, तो मेरे से पूछ रहा था, मैंने नहीं दिया। देखा तो तुमने भी क्यों? मैंने साइन आउट कर दिया था, मेरे को पता था ना गड़बड़ करेगा वो, क्योंकि उसके फोन आने लग गए थे विशांत तू भूत अपने आप आगे आगे चल रहा है। बंदे ने इतना नहीं सोचा कि बंदे ने उस पर ट्रस्ट किया हुआ, उस पर उसको आईडी पासवर्ड दे रखा है, सारा चैनल उसके ऊपर छोड़ रखा है कि तुम खुद कर लो जो करना है इसमें। उसके बाद भी बंदे ने एक बार भी सो करने से पहले उसके मन में उतनी निशानियत उसके अंदर थी नहीं क्या जी विशांत? तेरा ये वाला चैनल ग्रो करेगा। मैं वीडियो बनाने जा रहा था नहीं यार विशांत, मेरा मन नहीं है कुछ भी करने, सीरियसली बताऊं तो चैनल खोलने ओपन करने का ही मन नहीं है। तू बस इतना बता दे, बहुत डिप्रेशन, तूने मेरे को माफ कर दिया ना, इतना बता, तूने मेरे को माफ कर दिया ना, फिर तेरे को एक बात बतानी। माफ कर दिया क्या विशांत? तुम भी हर बार आदत करते हो, कितनी बार माफ करूं मैं तुम्हें भी? नहीं करूंगा मैं, तू बात तो सुन, नहीं कर दिया ना, हर बार हरकतें कर करके माफी मांगनी हो जाती है। तुम ऐसे काम करते ही क्यों कि तुम्हें माफ करना पड़े मुझे? मैंने तेरा चैनल ओपन किया था, उस पर पुराने वीडियो पोस्ट हो रही है, मैंने सोचा पिछले नई वीडियो शूट कर दूंगा ताकि पब्लिक डिमांड करी। देखा अपन अपन पब्लिक का कहना मानना चाहिए, पब्लिक अपने नहीं है। नई वीडियो शूट कर रहा हूँ क्या मतलब? मैं तो कोई वीडियो शूट कर ही नहीं रही हूँ निशांत। देखते रहे मेरा पैचअप हुआ है, पब्लिक बोल रही थी पैचअप लाओ, तो मैंने सोचा पैचअप वीडियो शूट कर दो, वो तेरे चैनल पे आएगी। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम ना तो मैं तेरे चैनल पे डाल दूँगा उसको, तेरे ही चैनल पर डाल दूँगा उसे, सामने देख पर्दे के पीछे कैमरा रखा हुआ है। पब्लिक देखिए इस पर सपोर्ट करेगी तेरे को, इस चैनल पे सपोर्ट करेगी, पब्लिक डिमांड करती है। चले पर पब्लिक को बोल तो दे, कुछ बोल दे।